सुप्रभातम छात्रों, आप सबको लास्ट लेक्चर में मैंने पेपर स्टाइल लिखवाई थी, ठीक है ना। उसमें एक आपका चैप्टर है समय, जिसका मार्क वेटेज है 4 मार्क्स, ठीक है। तो आज मैं आपको समय के बारे में कुछ बात बता रही हूँ और वो सिखा रही हूँ, ठीक है। सुनिए, समय का मतलब होता है काल। संस्कृत में समय को काल कहा जाता है, ठीक है। तो ये समय हम घड़ी देखकर जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब देखिए बेटा, कितनी सारी घड़ियाँ हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में हम जो बोलते हैं 4 बजे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 बजे को संस्कृत में बोला जाता है चतुर्वादनम, मतलब 4 o'clock। इसी तरह दूसरा आया है, यहाँ पर जैसे हिंदी में हम बोलते हैं 4:15, तो यहाँ पर 4:15 को बोला जाता है सपाद चतुर्वादनम, ठीक है। इसके बाद आता है 4:30, तो 4:30 को संस्कृत में सार्ध चतुर्वादन बोला जाता है। और इसके बाद आता है 4:45, तो 4:45 को संस्कृत में पादोन पंचवादनम बोला जाता है। और लास्ट में 5 बजे, तो 5 बजे को संस्कृत में बोला जाता है पंचवादनम। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, सपाद जो है वो 15 मिनट्स दर्शाता है, सार्ध है वो 30 मिनट्स दर्शाता है, और पादोन है वो 45 मिनट्स दर्शाता है। तो इस तरीके से ये समय की एक्सरसाइज भी मैं आपको भेजूंगी, तो वो आप सब आपकी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। धन्यवाद छात्रों।